फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक मोबाइल होल्डर जो कि आपको मोबाइल या टैबलेट रखने में इस्तेमाल होगा और जिसमें आप अपने मोबाइल को हैंग करके आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए हाफ इंची पीवीसी एल्बो, 4 इंड कैप चाहिए आपको 4। फिर ये जो है सॉल्वेंट सीमेंट है जोड़ने के लिए, फिर 4 में एंड कैप, ये एल्बो 6 लिए है हमने। फिर कुछ चाहिए आपको, लगभग 5 से 6 टी चाहिए और ये 2 मीटर का हाफ इंची पीवीसी पाइप है। ये देखिए, इन सब को आप इस तरीके से टुकड़ों में कट करना है आपको। फिर दोस्तों, इस प्रकार से उसको सॉल्वेंट से आपको जोड़ते जाना है इन 4 टुकड़ों को। इस साइज़ के, इतने साइज़ के देखिए आप, ऐसे 4 पीस कट करना है। उन चारों पीस को देखिए, ये जो है सॉल्वेंट लगा करके इधर से एक और इधर से एक लगा करके इसको जोड़ देना है इसमें, इस प्रकार से। फ्रेंड्स, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल का स्टैंड बन गया है। यहाँ पे आप बीच में यहाँ पे एक नट बोल्ट लगाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे एक होल बना के यहाँ पे और यहाँ पे, और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा हॉट ग्लू लगाया दोनों जगह पे। इस तरीके से इसका डिज़ाइन बन गया है, आप देख सकते हैं क्लोजअप में। ये देखिए, ये नीचे चारों कोने पे ये एंड कैप लगाए गए हैं। आपको अगर बेसिक प्लम्बिंग की जानकारी हो तो ये स्टैंड आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसके ऊपर ये देखिए, ये मैंने छोटा सा वायर लगाई है इसके ऊपर। यहाँ पे जब आप मोबाइल रखेंगे और ये इसमें सरका देंगे तो वो मोबाइल ठीक तरीके से बीच में बैठ जाएगा। ये देखिए, गिरेगा भी नहीं। ये फ्रेंड्स देखिए, आपके घर में अगर छोटा बच्चा हो और उसके खाने पीने के लिए आप ऑनलाइन वीडियोस वगैरह दिखाते हो, कार्टून वगैरह जैसे, तो उस चीज़ के लिए ये स्टैंड बहुत अच्छा है, जहाँ पे आप बच्चे को नीचे सुला सकते हो और इसमें मोबाइल में जो भी आपका बच्चे का फेवरेट कार्टून वगैरह है वो यहाँ पे लगा करके आप प्ले कर सकते हो और दिखा सकते हो। अगर इस पर बीच में बच्चा थोड़ा सा पाँव भी लग जाता है या धक्का भी लग जाता है तो ये गिरेगा नहीं। देखिए, इस तरीके से आप उसमें थोड़ा चेंजेस हो यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ एडिशनल अगर आपके पास आइडियाज़ हो तो वो इस्तेमाल करके आप इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।